गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 29 पर बेलीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत महोब गांव के पास मंगलवार की देर रात ट्रेलर और टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत में टेम्पो चालक सहित टेम्पो में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर बेलीपार थाने के SSI देवी शरण पांडे ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, मंगलवार की देर रात गोरखपुर से सवारी लेकर कोडीराम के तरफ आ रहे टेम्पो को महोब गांव के पास एक ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान गश्त पर निकले बेलीपार थाने के SSI देवी शरण पांडे ने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने टेम्पो चालक मनोज गिरी पुत्र शिव कुमार गिरी और टेम्पो में सवार रोहित यादव पुत्र शुभ लाल यादव निवासी डिफरा, सतीश राय पुत्र अजय राय निवासी महावीर छपरा, मोनू पुत्र लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव को अपने सरकारी वाहन से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने घायलों की हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शी युवक ने कहा, पीछे पीछे नहीं, पीछे नहीं। अरे अपने पकड़ा, बड़े साफ पकड़ तू, कहाँ देखो तो यार, देखो के नाम का नहीं पता चला। हाँ भाई भाई भाई, जल्दी तीन आदमी हैं। रोहित गुप्ता, आपने साइड से टैक्सी वाला जा रहा था, उस साइड से आ रहा था ट्रक वाला, और अचानक कट गया उस तरफ, जिस कारण जो है कि दुर्घटना हो गया, उसमें दब गया था, ट्रक वाला भाग रहा था, तो हम जबरदस्ती उसको रुकवा के फिर गाड़ी बैक करवाए हैं, फिर आदमी के ग्रामीण के मदद से रस्सी लगा करके उसको खिंचवा के निकाले हैं, उसके बाद आदमी को फिर आए हैं SO साहब, उनके गाड़ी में जो है कि तीन लोग थे, उन लोग को हम लोग लाद करके भिजवाए हैं अस्पताल में। कैसी स्थिति है घायल? स्थिति घायल की गंभीर है, दो लोग की गंभीर ज़्यादा है, एक आदमी थोड़ा ठीक है, लेकिन दो की हालत गंभीर है, एक की हाथ टूट गई है, एक के कमर में ज़्यादा चोट है, सर फट गया है, मुँह फट गया है।